हरियाणा की सियासत में गब्बर के नाम से जाने जाने वाले अनिल विज की साख के साथ बीजेपी ने गोबर कर दिया है। अनिल विज हरियाणा की बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में शामिल हैं और वो दोनों बार ही सीएम बनने के दावेदार भी थे, लेकिन ना तो 2014 में और ना ही 2019 में उन्हें सीएम बनाने का फैसला लिया गया। वो तो कड़वे घूट पीकर अनिल विज रह गए, लेकिन 5 दिन पहले जब नायब सैनी को हरियाणा का नया सीएम चुना गया तो अनिल विज का धैर्य जवाब दे गया और वो अपनी सरकारी गाड़ी छोड़कर पैदल ही सड़क पर निकल पड़े। अनिल विज के लिए ऐसे हालात पहले कभी नहीं हुए। अनिल विज पिछले 9.5 साल से लगातार सरकार के अंदर अपने रसूख को लेकर, अपनी हैसियत को लेकर, अपनी पकड़ को लेकर मनोहर लाल खट्टर के साथ लगातार टकराते रहे हैं। अब हालात ऐसे हो गए हैं कि अनिल विज के लिए अपनी प्रतिष्ठा बचाना भी मुश्किल हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि उनको मंत्रिमंडल में जब शामिल किया गया तो उन्होंने मंत्री बनने से इनकार कर दिया, लेकिन अनिल विज के लिए हालात इतने खराब हो गए हैं कि बीजेपी में अब उन्हें कोई नहीं पूछ रहा है। खुद अनिल विज ने अपनी हकीकत को बयान किया। जब मीडिया कर्मियों ने अनिल विज से पूछा कि वो मंत्रिमंडल में सरकार में शामिल क्यों नहीं हो रहे हैं, वो अपनी पार्टी से नाराज क्यों हैं और वो क्या चाहते हैं, वो क्यों नहीं मान रहे हैं, आप खुद ही सुनिए अनिल विज ने सवालों के जवाबों के बारे में क्या कहा। मुझे मालूम नहीं है, मैं तो आपके सामने यहाँ कार्यक्रम में खड़ा हूँ, ना मुझे किसी ने बताया ना मेरे से किसी ने संपर्क किया है। ये सब कोई मनाने आया आपको, किसी ने बात की? नहीं नहीं, मैं रूठा हुआ ही नहीं हूँ, मैं तो रूठा हुआ ही नहीं हूँ। ये सब मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह के बाद किसी ने मनाया आपको? देखिए, उस दिन शपथ ग्रहण के बाद मेरे से आज तक किसी ने कोई बात नहीं की है। मैंने सेशन भी अटेंड किया है, सेशन भी अटेंड करके आया हूँ, सारे मौजूद थे, मेरे साथ किसी ने बात नहीं की है। जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, अच्छी सरकार चलाएंगे, और जो नायब सैनी जिसको मुख्यमंत्री बनाया है हमारा छोटा भाई है, हमें उम्मीद है कि वो बहुत बेहतरीन काम करेगा। आपने सुन लिया होगा कि अनिल विज साफ तौर पर कह रहे हैं कि उनसे ना कोई बात कर रहा है, उनसे ना कोई पूछ रहा है, वो नाराज भी नहीं है, वो बीजेपी के साथ भी खड़े हैं, वो बीजेपी के निष्ठावान सिपाही भी हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि अनिल विज की हैसियत को बीजेपी ने एक ही झटके में खत्म कर दिया है। दरअसल अब अनिल विज की सियासत का अंतिम छोर आता हुआ नजर आ रहा है। जो अनिल विज पूरी सरकार के अंदर गब्बर के तौर पर अपने फैसलों को मनवाते थे, अधिकारियों को अपने विभागों से बाहर भगाते थे, और खट्टर साहब भी जिनकी नाराजगी से बचने का प्रयास करते थे, वही अनिल विज अब सड़क पर आ गए हैं। अनिल विज को कभी इस बात का अंदाजा नहीं था कि अपनी पार्टी के अंदर वो उस मुकाम पर आ जाएंगे जहां उन्हें फालतू समझ लिया जाएगा, जहां उनकी कोई कदर नहीं होगी और उन्हें नायब श्रेणी के नीचे काम करना पड़ेगा। अनिल विज का दर्द भी ये है कि 6 बार के विधायक होने के बावजूद उन्हें सीएम बनने के लायक क्यों नहीं समझा गया। अनिल विज की पीड़ा ये भी है कि महज 1 बार के विधायक और 1 बार के सांसद नायब श्रेणी को महज 10 साल की सियासत के अंदर ही मुख्यमंत्री बना दिया गया, जबकि वो पिछले 30 साल से बीजेपी की सियासत को जिंदा रख रहे हैं, बीजेपी की सियासत को कायम रखने में उन्होंने अहम योगदान दिया है। जब हरियाणा में बीजेपी के सिर्फ 2 MLA होते थे तो उनमें एक नाम अनिल विज का भी होता था। इसलिए अनिल विज को दर्द है कि पार्टी हाईकमान उन्हें CM क्यों नहीं बना रहा है। यही वजह है कि जब नायब सैनी का नाम खट्टर साहब ने प्रस्तावित किया तो वो तुरंत ही तैश में आ गए और मीटिंग बीच में छोड़कर पैदल ही निकल पड़े। अनिल विज को ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी अनदेखी क्यों हो रही है। दरअसल अनिल विज को भी समझना चाहिए कि बीजेपी हाईकमान के सीएम बनाने के फ्रेम में ना तो 2014 में फिट थे, ना वो 2019 में फिट थे, और अब जब खट्टर साहब को हटाया गया तो भी उन्हें विकल्प के तौर पर पहली पसंद नहीं माना गया। अब अनिल विज को हालात के साथ समझौता करना होगा, अब उन्हें हालात के साथ एडजस्टमेंट करनी होगी और मंत्री के तौर पर शपथ लेनी होगी। अगर इसके बावजूद भी अनिल विज ने अपने गुस्से को नहीं त्यागा और वो मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए तो उनकी सारी की सारी साख मिट्टी में मिट जाएगी, उनका दबदबा खत्म हो जाएगा और उनकी सियासत के ऊपर गंभीर खतरा मंडरा जाएगा। अनिल विज को ये समझ में भी आ रहा है कि उनके सीट के ऊपर चित्रा सवारा बड़ी तेजी के साथ उनको परास्त करने के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। जिस तरह से चित्रा सवारा हर रोज सड़कों पर उतरकर जनता के साथ मिलकर अनिल विज के कामकाज को कटघरे में खड़ा करने का काम कर रही हैं, उसके चलते अनिल विज की चिंताएं बढ़ गई हैं और इसलिए अनिल विज चाहते हैं कि उन्हें मंत्री बना दिया जाए,
वो आपने खुद ही सुन लिया होगा कि वो कह रहे हैं कि वो नाराज नहीं है, लेकिन उनसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, उनसे कोई सलाह भी नहीं रहा है और उनको मंत्रिमंडल में शामिल भी नहीं किया जा रहा है। यानी कहीं ना कहीं अनिल विज के साथ खेला हो गया है और बीजेपी हाईकमान के इशारे पर अनिल विज को खुद डिलाइन कर दिया गया है, उनकी सियासत को अब मझधार में छोड़ दिया गया है और उन्हें मंत्री बनाने को लेकर भी अब किंतु परंतु हो रहा है। यही आसार अनिल विज को कहीं ना कहीं चिंता के घेरे में डाल रहे हैं। उन्हें नजर आ रहा है कि अगर उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया तो चंद महीनों के बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में चित्रा सरवारा उन्हें हराने का काम कर सकती हैं। एक मंत्री के तौर पर पिछले 9.5 साल से अनिल विज का पूरे प्रदेश में दबदबा रहा है और अंबाला कैंट की उनकी सीट पर उन्हें हराने के बारे में कम ही लोग सोचते थे, लेकिन पिछले 6 महीने में हालात काफी तेजी से बदले हैं। लगातार चित्रा सरवारा अपने हल्के में एक्टिव रही, लगातार वो अनिल विज की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान लगाती रही और कांग्रेस में शामिल होने के बाद उनके जनाधार में उनके वोट बैंक में बढ़ावा हुआ है, जिसके चलते वो अनिल विज के बिल्कुल बराबर टक्कर में आ खड़ी हुई हैं, यानी उन्हें हराने की पोजीशन में आ गई हैं। यही वजह है अनिल विज को लग रहा है कि उन्हें अंतिम समय तक मंत्री बने रहना चाहिए, तभी उनका दबदबा बच सकता है, तभी उनकी सीट बच सकती है और तभी वो लगातार तीसरी बार जीत सकते हैं। अब अनिल विज के लिए ये मुश्किलात हो गई हैं कि पार्टी उन्हें पूछ नहीं रही है, पार्टी उनकी कदर नहीं कर रही है और सीएम बनाने के बात तो छोड़िए, अब उन्हें मंत्री बनाने के लिए भी कहीं ना कहीं आनाकानी हो रही है। यही बातें अनिल विज को चिंता में डाल रही हैं, उनके करियर को डवाडोल कर रही हैं और उन्हें मुसीबत की तरफ आगे धकेलने का काम कर रही हैं। अनिल विज की सियासत को समझने के लिए आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अनिल विज के 2024 के चुनाव में सियासी अंजाम को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। चित्रा सरवारा और अनिल विज के बीच होने वाले भीषण महाघमासान को जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। अंबाला कैंट की पॉलिटिक्स को गहराई से जानने के लिए भी आप खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।